तहरीक इंसाफ की जानब से चौक सरवर शहीद में गुज़श्ता शब वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब और अब्बास बप्पी, जरताज गुल और डॉक्टर शबीर अली कुरैशी समेत हज़ारों की तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। इस मौके पर सदर तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब औन अब्बास बप्पी ने आप तक न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि जितने हमारे वर्कर कन्वेंशन में लोग होते हैं, इतना मरियम के जलसे में भी नहीं होते। अवाम जान चुकी कि ये लोग अपने केसेस माफ कराने आए थे। पहले तो इसको कन्वेंशन करना, इस कन्वेंशन की बेइज्जती हो जाएगी। मतलब आप ये देखें कि इमरान खान के बयानिए को आवाम ने कैसे कि तहसील चौक मुंडा में एक छोटे से वर्कर कन्वेंशन में हज़ारों लोग आ गए। आप ये देखिए कि जितने हमारे कन्वेंशन में लोग होते हैं, इतना मरियम के जलसे भी नहीं हो सकते। वजह क्या है? अवाम की तकलीफ़ के लिए जो हुक्मरान आते हैं, उन 6 महीनों में जिस तरीके से इन्होंने अवाम को लूटा है, अवाम को समझ लग गई है ये सिर्फ अपने करप्शन की केसेस माफ़ कराने आए थे। और इस दफ़ा जब खान लॉन्ग माल की कौर देगा, मैं आपको बता दूँ, चौक मुंडे से लेकर चक्री तक 600 किलोमीटर है। इस 600 किलोमीटर में 1 इंच ऐसी जगह नहीं होगी जिस पे एक बस खड़ी ना हो। पाकिस्तान की आवाम ऐसे निकलेंगे और 27 किलोमीटर की जो एक हकूमत है उसको हम सिर्फ यहीं से निकलते हुए खत्म कर देंगे। और एक चीज और, अगर इस दफा आवाम ना निकली तो फिर इमरान खान को कसूरवार मैं ठहराएगा। यह जंग उसकी नहीं, आपके और मेरे बच्चों की है। और मेरे ख्याल में आवाम को समझ लग चुकी है और इस दफा इस्लामाबाद को भी समझ लग जाएगा।